खबर है यूपी के शाहजहांपुर नगर पालिका में बड़ा घोटाला सामने आया है और यहां के अधिकारियों ने 2012 में 20 लाख रुपए की लागत से बर्फ हटाने की मशीन खरीदी, जबकि यूपी के किसी भी इलाके में बर्फबारी नहीं होती। अब ऐसा ये माना जा रहा है कि कमीशन के चक्कर में नगर पालिका के अधिकारियों ने मशीन तो खरीद ली, खुलासा होने के बाद अब डीएम और दूसरे अधिकारी इस मामले पर जवाब देने से ही बचते फिर रहे हैं। यूपी के शहरों में बर्फबारी, नगर पालिका का अजब कारनामा, खरीदी बर्फ हटाने की मशीन, यूपी के महक में गजब है। नगर पालिका परिसर में धूल फाक रही इस मशीन का इस्तेमाल पहाड़ों पर बर्फ हटाने के लिए किया जाता है, लेकिन शाहजहांपुर नगर पालिका ने इस मशीन को 20 लाख रुपए में खरीदी है। जब से ये मशीन खरीदी गई है इसका कोई इस्तेमाल नहीं हुआ है, लिहाजा इस पर घास ने अपना घर बना लिया है। साल 2012 में खरीदी गई ये मशीन पिछले 4 सालों से नगर पालिका के रोशनी गोदाम में आराम फरमा रही है। अब सवाल ये कि जब यहाँ बर्फ गिरती नहीं तो फिर ये मशीन खरीदी क्यों गई? इसके पीछे कमीशन के खेल की बू आ रही है, जिसके बाद बीजेपी इस घोटाले की जांच की बात कह रही है। बर्फ काटने की मशीन का उपयोग जहां बर्फ है वहीं होता है। शाहजहांपुर की नगर पालिका में बर्फ काटने की मशीन अगर लाई गई है तो मैं समझता हूं कि उसमें घोटाले के अलावा और कोई दुर्गंध हमको नजर नहीं आ रही है। इस प्रकार के घोटालों के विरुद्ध हम आवाज उठाएंगे, जनता के बीच भी उठाएंगे और सदन में भी आवाज उठाएंगे। यहाँ पर तो वो तो भाई पहाड़ी क्षेत्र के लिए उपयोगी है जो है ना, कि मैदानी क्षेत्र के लिए जो है, मैदानी क्षेत्र में उसका उपयोग कुछ दिखाई नहीं दे रहा ना। तो यहाँ पर उस तरीके की बर्फ पड़ती है जो जो हटाने काम आवे जो है, इसलिए उसका हमारे समझ से जहाँ तक है कि उसका उपयोग वो मैदानी क्षेत्र के लिए है। मामले का खुलासा होने के बाद डीएम से लेकर नगर पालिका के अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं, लेकिन वाहनों के प्रभारी की माने तो इसका इस्तेमाल संकरी गलियों में सफाई के लिए किया जाना था और ये मल्टीपर्पज मशीन है। ये जेसीबी कंपनी की रोबोट मशीन ये वर्ष 2012 में खरीदी गई थी और ये बर्फ हटाने के काम नहीं आती है, बल्कि एक मल्टीपर्पज मशीन है जिसको जेसीबी के नाम से जानते हैं। और ये मल्टीपर्पज मशीन होने का कारण ये इतनी छोटी है कि हमारी शहर में बहुत पतली गलियां हैं जिसमें कूड़ा उठाने के लिए बहुत उपयोगी है। और इस मशीन की सबसे अच्छी बात यह है कि ये 360 डिग्री अपनी जगह पर ही घूम जाती है, इसको घूमने के लिए स्थान नहीं चाहिए। छोटी गलियों से कूड़ा उठाने के लिए ये खरीदी गई थी और ये लगभग 20,73,000 रुपए की थी। अब नगर पालिका उस दिन का इंतजार कर रहा है जब यहाँ बर्फबारी हो और इस मशीन को बर्फ को हटाने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। फिलहाल घोटाले से जुड़ी इस मशीन की खरीद की अगर जांच की जाए तो इसमें कई चेहरे बेनकाब होंगे। शिव कुमार, इंडिया 24/7, शाहजहांपुर।